और इतना सांस के ऊपर ध्यान, स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल। पे आराम लेने का कोशिश करें। और एक बार आप सब कीजिएगा, मेरे को देखना है, लेकिन ये पोस्टर डेली करना ही है विदाउट फेल। जब हम लोग ओबे योर मदरलैंड, ओबे योर सुप्रीम, तो ऐसे ओबे टू अवर ऑलमाइटी। इसमें शोल्डर हैंड शुड बी रिलैक्स, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहा है इस पोस्चर में। क्या क्या? एक तो एब्डोमिनल फंक्शन में एक कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है। नंबर टू, जब ये कर रहे हैं तो पेट के जो प्रेशर है वो डायफ्राम में आ रहा है, और डायफ्राम अपना लंग्स का लोअर पार्ट ऑफ एल्विओलाइज को एक्टिव कर रहा है। नंबर ऑफ एल्विओलाइज एक्टिव हो जा रहा है, तो नंबर ऑफ एल्विओलाइज एक्टिव हो रहा है तो ऑक्सीजन, जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, उसका नंबर ऑफ एल्विओलाइज ज्यादा एक्टिव होने से उसमें हवा ज्यादा जा रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जा रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ना बहुत जरूरी है। और नंबर थ्री, जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो सर्वाइकल पॉइंट में नर्वस सिस्टम को मैं लॉक कर रहा हूं। फिर आगे जब स्ट्रेच कर रहा हूं, पूरा रीढ़ के हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर स्ट्रेचिंग आ रहा है। तो यहां से साइटिका जो जा रहा है लोअर पार्ट ऑफ और लोअर ऑर्गन्स में, जो भी नस जा रहा है, पूरा शरीर में जो भी नस जा रहा है, वो खींच के रीढ़ की हड्डी के अंदर घुस जा रहा है।
एक स्ट्रेचिंग महसूस होगा पूरा शरीर में। इसलिए जिसका ये कंफर्टेबल हो गया, जिसका लग रहा है कि ये तो इजी है, जिसका नहीं लग रहा है वो ऐसी पोस्चर में करे सुखासन में, जिसका लग रहा है कि मैं ये कर पा रहा हूं इजीली, वो वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में आके वहां पर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखा रहा हूं। ऐसे ऐसे हाथ लॉक करें, सिर को ऊपर करें। ये पोस्चर में अपना पैर में खून का मात्रा कम हो गया, अपर बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का मात्रा ज्यादा हो गया। तो इसी पोस्चर में हाथ को ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में रख के दो घुटने में अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी मेक ए गैप, लॉक योर हैंड और ऊपर देखते हुए सामने बिंद हो जाए। देखिए अपना ओपन वायु और प्राण वायु समान वायु के अंदर संतुलन बन जाएगा। शरीर में जो पंचो वायु है उसमें अपान वायु के प्रभाव से शरीर का तबीयत खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है। जब अपने बॉडी ऐसे ढीला लूज छोड़ दीजिए, इधर हाथ भी छोड़ सकते हैं देखिए, और यहां पर सांस के ऊपर ध्यान दे और जितना हो सके पैर के ऊपर बैठ के सामने बॉडी को छोड़ना है। इसका बल्कि एब्डोमेन है, उनका सिर नीचे टच नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, टच नहीं करना है, लेकिन पेट के ऊपर जो प्रेशर है वो रखना है। तो लोअर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर आएगा, वो प्रेशर ऑटोमेटिकली डायफ्राम के ऊपर आएगा और लंग्स के ऊपर भी जाएगा, सांस भी फूल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, डेली ये करना चाहिए। और यहाँ पर लास्ट में जो है एक्सट्रीम पॉइंट में जाके छोटा छोटा सांस स्लोली एंड डीपली inhale and exhale, ये डेली प्रैक्टिस करने से पहला दिन एक टाइप ऑफ फीलिंग्स आएगा, सेकेंड डे दूसरा टाइप ऑफ फीलिंग्स आएगा, तीसरा दिन दूसरा टाइप का फीलिंग्स आएगा। एक एक दिन लगातार 10 days 15 days करने से अलग अलग डे एक एक दिन एक एक टाइप ऑफ फीलिंग्स अपने ऊपर क्रिएट होगा, बनेगा और उसको महसूस करना है। ये स्थिर सुखम आसनम, ये डेफिनेशन हर पोस्चर में आपको मेंटेन करना है। अब दोनों पैर को थोड़ा गैप बना दे, हाथ को ऐसा प्लेस करें, धीरे धीरे आगे चेस्ट को लगाना है जमीन पर, अपने आप ही दिखेगा कहां पर क्या डिजर्डर हम लोग बनाए हैं इतना दिन में बिना योगासन करने से। योगासन नहीं करने से शरीर के अंदर मिनिमम लेवल ऑफ फिटनेस जो है वो कितना कम हो गया, कितना घट गया, वो क्या हाथ यहां लगा के ये करना है। और एक बार हम लोग करेंगे, हर इंडिविजुअल आसन 2 से 3 बार करना चाहिए और 15 से 13 सेकेंड्स अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी स्टे करना है। हाथ यहां लगा के आराम से सो जाना है सामने और पूरा शरीर को जितना हो सके जमीन पर रखना है। ये तो था मंडुकासन। अब मैं एक दूसरा पोस्चर करा रहा हूं,
इसमें भी एक पैर को पीछे कर दिया और ये वाला पैर जो है उसको निकाल दिया ऐसे। इसका घुटने में ज्यादा से ज्यादा बहुत दर्द है, उसको नहीं करना चाहिए। एक पैर को आगे कर दिया और ये वाला पैर को इधर, फिर नहीं हुआ उसको ऐसे कर। और एक बार ऐसे आगे, फिर ये जो हिल है ये नीचे पेट के नीचे वाला हिस्सा में टच होगा और ये वाला पैर के ऊपर पूरा बैलेंस रख के सो जाना है। इसमें फर्स्ट कंडीशन जो है आराम से लेटे रहिए और सुनते रहिए, वो आराम लेना है, सुख लेना है। जिसको सुख मिल रहे वो करे, जिसको सुख नहीं मिल रहे वो ना करे। यहां पे जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको पहले समझ ले, क्या तकलीफ हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है वो समझ ले, उसके बाद ही करे। इसमें देखिए कमर में कितना आराम मिलेगा और ये प्रोक्रिटरी ज्वाइंट, थाई, कप मसल्स, लोअर ऑर्गन्स, लंबर वर्टिब्रा और सेक्रम में बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। भद्रासन, इसको ऐसा करना है, पैर चेंज करके कर। सांस के ऊपर ध्यान, आराम से सांस लेना है और छोड़ना है। सिर को एक बार घुमा सकते हैं उसी पोजीशन में, कान को जमीन पर रख सकते हैं तो सर्वाइकल वर्टिब्रा में भी बहुत ही सुकून मिलेगा। उस पोजीशन में सिर को घुमा सकते हैं तो और अच्छा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट पोस्चर, भद्रासन में ज्यादा देर तक बैठने से पैर में दर्द हो रहा है तो उसको कैसे हटाए। भद्रासन में खाने के बाद जरूर बैठना चाहिए, बैठने से खून जो है यहाँ शरीर के अपर बॉडी में ज्यादा खून का मात्रा बढ़ जाता है, रीढ़ की हड्डी सीधा रखने से। खाने के बाद 10 मिनट मिनिमम भद्रासन में बैठ सकते हैं और इसमें पैर में ज्यादा से ज्यादा दर्द हो तो इसको क्रॉस करें, इसको ऐसा क्रॉस कर फिर इसके ऊपर बैठ जाए। भद्रासन में बैठा था और एक बार दिखा रहा हूं, ध्यान से देखें, हाथ इधर लगाया, इसको क्रॉस करें फिर ऐसे बैठ जाए। तुरंत भद्रासन में यहाँ सर्कुलेशन का कम, ब्लड सर्कुलेशन की कमी से जो दर्द बनना शुरू होता है वो तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा एक हार्ट है, हम लोग का हार्ट का एक छोटा फंक्शन इधर चलता है, तो ये जो जगह है यहाँ पर प्रेशर आने से खून का मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पोस्चर है वो करना है, शशकासन हो गया, ये हो गया, अब जानुशीरासन करते हैं। जिसका घुटने में दर्द है, बॉडी वेट ज्यादा हो गया इसलिए घुटने में दर्द होता है, तो एक पैर को ऐसे लगाना है, एक पैर को ऐसे लगा रखना है सीधा, फिर इसको आगे की तरफ खींचे। सोचिए यहां कोई दबा रहा है, अब देखिए घुटने के नीचे क्या चेंजेस आ रहा है। अब नीचे जो हिस्सा है ये जमीन पर लगाने का कोशिश करें, इधर मनी मन अपना प्रेशर डालना है इधर और देखिए क्या चेंजेस आ रहा है। पैर में घुटने में दर्द बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मेनली ज्यादा ये फीमेल्स को फेस होता है घुटने में दर्द। बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है, फीमर का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि प्रेशर इधर ज्यादा बन जाता है, लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर है ये, जरूर करना चाहिए पैर चेंज करके। और इसी पोस्चर को हिल के ऊपर एक बार बैठ जाए तो ये प्रोस्टेट के लिए बहुत ही अच्छा है।
मेल्स लोगों के लिए जो अबाव 40-45 होने से प्रोस्टेट का प्रॉब्लम बनता है, तो इसके लिए ये हिल के ऊपर ऐसे बैठ के सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए हल्का सा नीचे प्रेशर डाले इधर पकड़ के, तो ये यूरिनरी इंफेक्शन प्रोस्टेट का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और इधर हाथ लगा के थोड़ा सा बहुत खींचते रहिए, तो घुटने का प्रॉब्लम इधर ठीक होता है, इधर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम ठीक होता है, इसका ये बेनिफिट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पोस्चर, नेक्स्ट पोस्चर जो है ऐसा पकड़ के रखे, हाथ ऐसा रखे, ये वाला हाथ यही मैजिक है, मैं दिखा रहा हूं, ये वाला हाथ को रीढ़ के हड्डी के लाइन में रखना है। मैं एक बार घूम के दिखाता हूं, ऐसे बैठा हूं, हिल के इधर प्लेस किया, हिल के ऊपर हल्का सपोर्ट लेके बैठ गया, ये वाला हाथ इधर प्लेस करना है रीढ़ के हड्डी के पीछे। तो देखिए मेरा ये जो आर्म है ये पीठ को सीधा करने में हेल्प कर रहा है, और ये वाला हाथ का कोई फंक्शन नहीं है, आराम से रखे, और ये चिन जो है शोल्डर लाइन में रहेगा, और हंसते रहिए इसी पोजीशन में और आराम लेते रहिए। पीछे देखे, पीछे सर उल्टा हो रहा है, चटर्जी सर, चटर्जी सर इधर देखिए। अब मैं घूम के एक बार पैर चेंज करके कर रहा हूं, देखिए ऐसा है, पीछे वाला हाथ का पोजीशन सबने समझ लिए, तो पीछे वाला हाथ इधर रखा सर, ये इतना रहेगा 90 डिग्री एंगल रहेगा इधर, ये 90 डिग्री होगा, ये आगे नहीं आएगा, 90 डिग्री सर, ये अंदर ज्यादा नहीं जा रहा है, ये उंगली इधर दिख रहा है, सिर्फ हिल ही रहेगा, फिर ऐसे अब सांस के ऊपर ध्यान, डीपली इनहेल एंड एक्सेल, इसी पोजीशन में सांस के साथ अपना पेट का जो चेंजेस आ रहा है उसको ध्यान से देखें, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का चेंजेस आ रहा है उसको देखें, अपना रीढ़ के हड्डी में जो रिलैक्सेशन मिल रहा है उसको देखें, हर चीज को अलग अलग करके ऑब्जर्व करना है, अपना शरीर के अंदर सॉलिड मटेरियल, अपना शरीर के अंदर लिक्विड मटेरियल, अपना शरीर के अंदर गैसियस मटेरियल में क्या क्या चेंजेस आ रहा है हर इंडिविजुअल पोस्चर में देखना है। नेक्स्ट पोस्चर, टमी, वो पहले वाला सब टमी के लिए था, टमी के लिए वो वाला था, ये वाला भी टमी के लिए था, ये जो ट्विस्टिंग मैंने दिखाया, तो इसका थोड़ा एडवांस पोस्चर दिखाते हैं। एक पैर को नीचे रखा था, इसको ऊपर कर दिया, स्टूडेंट लोगों के लिए और नॉर्मल सभी के लिए ये भी बहुत ही अच्छा है। पीछे से ऐसे पकड़ना है, हाथ को इधर रखना है, और पूरा कमर में कभी भी दर्द नहीं आएगा, कमर में दर्द कभी नहीं आएगा, और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कभी नहीं होगा, पेट वह कम हो जाएगा, ये जब सांस खींच के किए तो पेट अंदर चला गया, ऐसे सांस चलेगा, ऐसे लॉक कीजिए, और ये नहीं करने से भी चलेगा, इसको इधर भी पकड़ सकते हैं और इधर भी पकड़ सकते हैं, शुरू शुरू में इधर होल्ड कीजिए, बाद में इधर होल्ड कीजिए, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधा होना बहुत जरूरी है, और पीछे देखना है, ऐसे डीपली इनहेल एंड एक्सेल करें, देखिए कितना बेनिफिट है, कमी कम हो जाएगा है? और डाइजेशन पावर भी बढ़ जाएगा, ये सब आसन इतना डाइजेशन पावर बढ़ाएगा कि पेट के अंदर ऐसे सांस भरे और पूरा सांस छोड़ दे, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद, क्या आनंद है। तो ये तो था, अब मैं और एक पोस्चर कर रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा है, इजी भी है, हाथ ऐसे रखे, बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल है, कोई भी स्टिफनेस बनेगा नहीं अंदर। हम लोग करते हैं क्या, मैं थोड़ा
बात कर लेता हूं। हम लोग जब भी किसी जगह पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कोशिश करते हैं ना, अंदर ही अंदर स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफनेस नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन करते हैं, मैंने देखा मेडिटेशन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर स्टिफ हो जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी इज द एनर्जी ऑफ लाइफ, स्टिफनेस एनर्जी नहीं बढ़ाता है, और ज्ञान को समझने के लिए स्टिफनेस आगे काम नहीं करेगा। जब कोई फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मेडिटेशन करे या आसन प्रैक्टिस करे या कई काम करे, तो उसको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, दो स्पॉन्ज ले लिए हाथ में, एक हार्ड स्पॉन्ज एक सॉफ्ट स्पॉन्ज, एक ही साइज का है। दोनों को मैंने पानी में डुबाया, तो कौन वाला ज्यादा पानी कैरी करेगा? सॉफ्ट वाला ज्यादा करेगा, क्योंकि उसमें भीतर बहुत सारे वैक्यूम है। तो आप भी फ्लेक्सिबल रहेंगे तो नॉलेज ज्यादा कैरी कर पाएंगे। हम लोग बच्चे लोगों को डांटते हैं और बच्चे लोग क्या करते हैं, मन नहीं है, लेकिन वो लोग, आप लोग डांटेंगे इसलिए किताब के अंदर ऐसे कॉन्सेंट्रेट करके विथ स्टिफनेस, वो अंदर घुसेगा ही नहीं। कैजुअली उसको समझाइए, वो रिलैक्स होके बैठेगा तो उसको अंदर नॉलेज वो एब्जॉर्ब कर पाए। तो मैं भी ऐसे ही आसन के टाइम में भी बोल रहा हूँ, जो भी करे विथ रिलैक्सेशन करे, तो यू कैन एंजॉय मोर। तो ये था नेक्स्ट पोस्चर, ऐसे करना है। नाव की तरह करना है और आराम लेते रहिए, मजा ही मजा है, करते रहिए, इजी है। ये तो था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये था सर, आ जाइए इधर। ऐसे सर टमी के लिए, सर टमी के लिए बहुत ही बेनिफिट। और एक पोस्चर करा है, पद्मासन में बैठ गए, अब हाथ जो है ये बैलेंसिंग संतुलन बनाएगा, पेट भी कम करेगा, शरीर का संतुलन बनाने के लिए नाव का जैसा आसन एक कराया मुखासन। और मैं अब कर रहा हूं क्या, हाथ के ऊपर बैठ जा रहा हूं, पूरा हाथ के ऊपर बैठ गया और बॉडी को उठा दिया, सिर्फ हाथ जमीन पर है, हथेली, मैं सिर्फ बैठ गया हाथ के ऊपर, हाथ को नीचे ऐसे रखा पीछे से, शरीर का और कोई बॉडी पार्ट जमीन पर नहीं रहेगा। और आंख बंद कर दीजिए, पहले शरीर को अपना कंट्रोल में लाइए, फिर अपना माइंड को कंट्रोल में लाइए, नहीं उसके पहले बीच में एक और एक है प्राण को, प्राण एनर्जी, वाइटल एनर्जी, उसका अपना कंट्रोल में लाइए, फिर अपना मन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। मन प्रसमन उपाय योगा, तो मन जो है, मन जो है, और मन को कंट्रोल करने के लिए प्राण को कंट्रोल करना जरूरी है। और जब जब अपना शरीर अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनमय कोशा कंट्रोल में आ जाएगा, ऑटोमेटिक अपना सोच जो है, विज्ञानमय कोशा जो है, वो सही मात्रा में सही जगह पर सही काम करेगा। और जब ये सब सही काम करेगा चारों कोष, तो आनंदमय कोशा आपका जग जाएगा और आनंद ही आनंद मिलेगा हर जगह पर। ऐसा कोई जगह नहीं रहेगा काम करते हुए हमको आनंद नहीं मिल रहा है, हर जगह पर आनंद ही आनंद मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था। अब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पोस्चर कराते हैं, थोड़ा हार्ट भी लग सकता है, कोई भी पद्मासन हो रहा है तो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, हाथ के ऊपर उठाइए। ये देखिए नीचे वाला रीढ़ की हड्डी एकदम ढीला है, तो कभी भी सर पूरा हाथ नीचे रखे, नहीं तो यहां लग जाएगा ऐसा करने से, तो पूरा रखे और पूरा रखे उठाए।
ये एक उत्थित पद्मासन। हाँ सर, हाथ को ऐसा मत रखिए, लग जाएगा, पूरा हाथ ऐसे रखिए। अब थोड़ा आगे और एक पोस्चर दिखा, ये बहुत ही अच्छा पोस्चर है। देखिए, बॉडी को ना यहां टच कराना है, इसको रिलैक्स कर दीजिए, एक पैर को फोल्ड करें। मैं इस एंगल से दिखाता हूं तो अच्छा दिखेगा। तो ऐसा करें, मैं ये एंगल सबको दिखेगा कैमरे में प्रॉपरली। अब पेट को इधर टच कराना है, हो गया। ये घुटने सीधा रखने का जरूरत नहीं है, ये पूरा पेट को टच कराइए। क्या हो रहा है, इधर एक्सटेंशन हो रहा है, इधर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मैं उसको ये सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी बहुत अच्छा है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए नॉर्मली फ्रंट बेंड होने के लिए मना करते हैं डॉक्टर। तो वो फ्रंट बेंड का स्ट्रक्चर, ये फ्रंट बेंड का स्ट्रक्चर डिफरेंस है। रीढ़ की हड्डी इधर है, लंबर 5, लंबर 4 इधर है, नहीं तो ये सेक्रम S1 है, ये L5 है, ये बैठ गया। इसका मिनिमम जो गैप होना चाहिए वो नहीं है। तो ये वाला ऐसा करे, हाथ को ऊपर स्ट्रेच करे, फिर नीचे की तरफ चले जाए, तो ऑटोमेटिक गैप जो है लंबर में बढ़ेगा। एक साइड में बढ़ाया और यहां पर सांस के ऊपर ध्यान दे। ये वाला हाथ का कोई फंक्शन नहीं है, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। ये हो गया। फिर दूसरी तरफ ऐसा करके, और सब अपना हिसाब से स्टे करें, अपना जितना सुकून मिल रहा है उतना स्टे करें। ऐसा नहीं है कि मैं जितना जा रहा हूं उतना ही जाना है, किसी का इतना हो रहा है तो इधर ही स्टे करे, लेकिन उसी जगह पर स्टे करके सांस के ऊपर ध्यान दे। इनहेल एंड एक्सहेल स्मूथली, इनहेल एंड स्मूथली एक्सहेल, ठीक है। तो ऐसा ही करें और सब करते रहिए। एक बार मैं देखता हूं सबका, लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करे, राइट लेग को फोल्ड करे, राइट हैंड को अप करे, राइट हैंड को लेफ्ट लेग में टच कराने का कोशिश करें। अब धीरे धीरे बेंड हो जाए इधर। अब सांस के ऊपर ध्यान दें, सांस के ऊपर ध्यान देके सांस के साथ अपने शरीर के भीतर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको महसूस करने का कोशिश करें। एंजॉय द ब्रीथ, एंजॉय द सर्कुलेशन। अब साइड चेंज करके करें, तो देखना है किसका क्या स्थिति है। विदिन 7 days मैं सबको देसर जैसा फिट बना दूंगा। हाँ, विदिन 7 days मेरे साथ करें, देसर जितना फिट है मैं बना दूंगा। ठीक है मैम। हाँ, तो आगे जानुशीर आसन सिखाया मैं इसलिए पश्चिमोत्तान आसन अच्छा से हो, लेकिन जिसका पश्चिमोत्तान आसन नहीं होगा उसके लिए पहले ऐसा करना है, फिर हाथ लगा के बॉडी को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो कमर में लचीलापन एकदम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। अब धीरे धीरे दोनों पैर को जोड़ दें, आप इसको पकड़ के पूरा होल्ड करें, ठीक है। ये पश्चिमोत्तानासन शुरू शुरू में नहीं होगा कमर उतना, लेकिन पश्चिमोत्तानासन जिसका लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है उसको नहीं करना चाहिए। जिसका कमर में दर्द है उसके शुरू शुरू में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस
होने से नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। और कमर में दर्द, शोल्डर में दर्द, नेक में दर्द, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी जरूरी है। मैं वो थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, जो हम लोगों का डे टू डे प्रॉब्लम है, हम लेट जाते हैं सुपाइन पोस्चर, आराम से लेट जाए, थोड़ा शवासन, लेकिन ये 84 लैक्स पोस्चर में ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोस्चर, क्योंकि आपको मरना है इसी पोजीशन में, सब मींस डेथ, लेकिन हम लोग टेंस टू डेथ नहीं हो पाते हैं। आपको टेंस टू डेथ होना है, अपना पूरा बॉडी को रिलैक्स छोड़ दे, रेगुलर ये सही मात्रा में करे, 20 मिनट्स लगातार ये सवासन प्रॉपरली करे, तो 20 मिनट सवासन इक्वल्स टू 8 आवर स्लीपिंग, 8 घंटा सोने से जितना रिलैक्सेशन आता है उतना रिलैक्सेशन 20 मिनट्स में आ जाएगा। ऐसा रहेगा, ये दोनों बॉडी से जितना गैप बनाया दोनों का एडिशन करने से पैर का गैप बनेगा, हथेली ऊपर, कोई भी मसल को स्टीप मत रखिए, अपना फिट एंकल जॉइंट, कप मसल्स, नी जॉइंट, थाई मसल्स, हिप जॉइंट, सबको जमीन पर आराम से छोड़ दे। यहाँ पर कुछ चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है, मैं बोल रहा हूं आप लोग शवासन करते हुए ध्यान दीजिए, अपना पेट के नीचे वाला रीढ़ की हड्डी, लंबर और थोरासिक का थोड़ा बहुत पार्ट, सेक्रम जमीन से थोड़ा बहुत ऊंचा है, उठा है, उसको जमीन पर टच कराने का कोशिश करें। तो देखिए वो टच कराने का कोशिश किए तो अपना सांस बंद हो गया, उसको टच कराने के लिए सांस को बंद करना पड़ा, लेकिन उसको टच कराने के बाद सांस को कंटिन्यू करने का कोशिश करें, अपना रीढ़ की हड्डी सीधा हो जाएगा। अब देखिए अपना सर्वाइकल, गले के पीछे वाला रीढ़ की हड्डी, वो जमीन से उठा है, अब उसको टच कराने का कोशिश करें, ये जगह हल्का सा प्रेशर मैं दे रहा हूं हाथ से, ये वाला करा है तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस, फ्रोजन शोल्डर का पेन नहीं बनेगा, ये देखिए कितना आराम मिलेगा। अपना जो चिन्ह है यहां पर थोड़ा हल्का प्रेशर क्रिएट करें, और जिसका टच नहीं हो रहा है, ये जो तरीका मैं दिखा रहा है टच नहीं हो रहा है, वो तो उनको तो पैर को ऐसे फोल्ड करना है। अब देखिए टच हो गया, दोनों ही टच हो गया, अब टच हो गया, पेट की हड्डी पूरा टच हो गया जमीन पर, अब इसको टच करा के पैर को धीरे धीरे सीधा करें। पर्टिकुलर एक पोजीशन में आते आते हड्डी उठ जाएगा, पेट की हड्डी उठ जाएगा, जमीन छोड़ देगा, लेकिन वो ऐसे ही रखना है, पैर को भी सीधा करना है, ये प्रैक्टिस रेगुलर करे तो अपना रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगा। भारती ब्रकलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, जिसका रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाएगा उसको धीरे धीरे हर जगह पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां से नस जो है पूरा शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और उसी के अंदर से बहुत ही सावधानता पूर्वक उसको सिर के साथ पूरा शरीर का कनेक्शन बनाया है, वह उसके अंदर ही मेन चैनल जो है वो है नस का। नेक्स्ट पोस्चर, एक पैर को पेट के ऊपर होल्ड करें, ये पवन मुक्तासन,
डीपली इनहेल एंड एक्सहेल, आराम से सांस लेना है और छोड़ना है। रिलैक्स, चेंज योर लेग, मैं इसी पवन मुख आसन का थोड़ा डिफरेंट एंगल से कराता हूं। इसको ऐसा खींच के पैर को ऐसे घुमा दीजिए। अब ये जो हिल है इसको नाभि पर टच कराइए। इसमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम और लोअर ऑर्गन्स का कोई भी प्रॉब्लम के लिए, साइटिका के लिए बहुत ही अच्छा है ये पवन मुक्तासन। ये पार्श्व पवन मुक्तासन ऐसे ही पैर चेंज करके करें, ऐसा करें। सांस के ऊपर ध्यान, स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल, देन ट्विस्ट योर लेग। मेरा देखिए पूरा पैर पेट में टच हो गया, पैर का उंगली जो बड़ा वाला उंगली वो तो डायफ्राम तक आ गया, हिल जो है वो नाभि तक आ गया। देखिए इसमें क्या डिफरेंसेस महसूस हो रहा है, शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है हर पोस्चर में, ये देखना बहुत जरूरी है। और जिसका लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर का दर्द है, उसके लिए ये वाला पोस्चर बहुत ही अच्छा है। ये भी पवन मुक्तासन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट एंगल से, मेक ए गैप बिटवीन योर लेग। हाथ को ऐसा करके सुप्त भद्रासन, कमर का दर्द परमानेंटली ठीक हो जाएगा और कमर पूरा जमीन पर रहेगा, रीढ़ की हड्डी उठेगा नहीं, जमीन पर टच होके रहेगा और ये पूरा ऐसा खींचना है। देखिए कितना आराम मिल रहा है। ये चार पांच पोस्चर हो जाने के बाद दोनों को एक साथ पकड़ के पेट के ऊपर दबाइए। देखिए नीचे वाला रीढ़ की हड्डी जमीन पर है, थोड़ा बहुत कॉक्सिस और सेक्रम पट उठा है, बाकी सब जमीन पर है। फिर जिसका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है वो उठा सकते हैं सिर को, जिसका है वो नहीं उठाना है उसको। ये तो था पवन मुक्तासन। और एक बार करें सब, रिलैक्स कर दे, फिर से करें एक बार पवन मुक्तासन। किसी को 10 सेकंड में बेनिफिट मिल जाएगा, किसी को 30 सेकंड लगेगा, हर इंडिविजुअल्स को अलग अलग टाइम लगेगा। जिसको जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम वहां पर स्टे करे और आनंद लेते रहे हर इंडिविजुअल पोस्चर्स में। हो गया, सुकून मिला। अब पैर को ऐसे ही रखा, दोनों को सीधा 90 डिग्री एंगल में उठा दिया। मैं जितना सारा पोस्चर किए ना उसमें पहला वाला जो प्रणाम करने का तरीका सिखाया वो वाला प्रणाम करने का तरीका, और ये वाला डेली करें विदाउट फेल। घुटने को सीधा करें, 10 से 13 सेकंड्स स्टे करें इधर, 30 सेकंड्स के बाद इसको थोड़ा नीचे करें और 60 डिग्री एंगल करें, 75, 60, 10 सेकंड करके स्टे करें, मिनिमम 45 डिग्री एंगल जमीन के साथ, 30 डिग्री एंगल जमीन के साथ, 15 डिग्री एंगल जमीन के साथ, अब 0 डिग्री एंगल जमीन के साथ। सब एक बार अपना अपना प्रैक्टिस कर ले इस पोस्चर को। सांस के ऊपर ध्यान, थोड़ा बहुत रेस्ट लेके मैं भी और एक बार आप लोग के साथ करना चाहता हूं। कैसा किया, लास्ट पोस्चर मेरा था पवन मुक्तासन, आपको नीचे प्लेस किया, बॉडी को उसके ऊपर प्लेस किए,
पैर को ऊपर उठाया 90 डिग्री एंगल में और यहाँ पर ऐसा वाइब्रेटर क्रिएट कीजिए, पैर में जितना भी दर्द है चला जाएगा, पैर का फिटनेस बढ़ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों ही करें। फिर ये रिलैक्स हो गया, पूरा दिन भर पैर के ऊपर बहुत स्ट्रेस रहता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस तो पैर ही लेता है, फिर से भी ज्यादा। अब धीरे धीरे इसको नीचे करें। ये कैसा पोस्चर है, लोअर एब्डोमिनल मसल्स को इतना फिट बनाता है, लोअर एब्डोमिनल मसल्स को इतना फिट बनाता है कि अपना डाइजेशन का प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाता है। इनडाइजेशन, रॉन्ग डाइजेशन, ओवर डाइजेशन कभी भी नहीं होगा। इनडाइजेशन, रॉन्ग डाइजेशन, ओवर डाइजेशन कभी भी नहीं होगा। इसका ये पोस्चर आगे का कुछ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ ऐसा करके स्टे करें और ये इसमें टाइट हो जाता है। ये लूज रखना बहुत जरूरी है, अपना खून का जो लिक्विडिटी है, अपना शरीर के अंदर जो ब्लड है, लिक्विड मटेरियल्स है, उसका शरीर में पानी पीने का हैबिट ठीक नहीं रहने से ये टाइट हो जाता है। इसको रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है, ये रिलैक्स होना चाहिए। क्या होता है, ये नस जो है वो चढ़ जाता है, वो टाइट हो जाता है। ये 30 डिग्री या 15 डिग्री के से 30 डिग्री के एंगल के अंदर ऐसा करके स्टे करें, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये भी डाइजेशन को प्रॉपर करेगा, पेट का लोअर एब्डोमिनल कुछ मसल्स है जहां पर ये बहुत ही बेनिफिट देगा। नेक्स्ट पोस्चर सुखासन। चक्रासन, ओह ठीक है ठीक है। ये लास्ट पोस्चर, ये बालासन है ठीक है। फिर ये जो पोस्चर है इसको अनंत सूर्य बोलते हैं, और इसमें कितना रिलैक्सेशन है देखिए। एक बार हाथ को यहां प्लेस करें सिर के ऊपर, और ये कोनी से लेके पैर तक स्ट्रेट लाइन में रखे। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है किसी का, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। और हाथ को सामने भी रख सकते हैं, आंख बंद करें, आंखें बंद होना जरूरी है, हाथ को ऐसे रखें। बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में होना बहुत जरूरी है। आंखें बंद कर दीजिए और लगेगा कि मैं सामने गिर जा रहा हूं, नहीं तो पीछे गिर जा रहा हूं, ऐसा महसूस होगा। शरीर के अंदर थोड़ा बहुत स्टिफनेस बनेगा, लेकिन उसको रिलैक्स करने का कोशिश करें, सांस के ऊपर ध्यान दे। और डेली 3 मिनट ये पोस्चर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड में करें, तो देखिएगा अपने बैलेंस जो है, संतुलन जो है शरीर का, वो सही मात्रा में हो जाएगा। समान वायु जो है, प्राण वायु का जो और 5 पंचवायु है ना, समान वायु जो है वो संतुलन बनाना सीख जाएगा और डिसबैलेंस नहीं हो जाएंगे आप। नर्वस सिस्टम, हार्ट सब, सर्कुलेशन सिस्टम सब सही रहेगा। और इसमें देखिए थोड़ा बहुत इसे ऐसे स्टे करने से अपना जो आप हथेली है, लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का, दोनों हथेली में ब्लड सर्कुलेशन का, ब्लड का जो दोनों हथेली में टेम्परेचर जो है वो अलग अलग टेम्परेचर महसूस होगा। सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी के लिए एक जगह पर हॉट फीलिंग आएगा, एक हाथ में कोल्ड फीलिंग आएगा। मेरा जैसा राइट पम हॉट हो गया और लेफ्ट जो है वो कूल है। अब मैं दूसरी तरफ चेंज कर रहा हूं, ऐसा घूम के ऑपोजिट साइड में कर रहा हूं।
अब देखिए ये वाला धीरे धीरे कूल होना शुरू हो गया और नीचे वाला अपना आसपास जो है उसको पूछे कि मेरा शरीर स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं। देखिए बोलेगा कि नहीं, अपना कोनी थोड़ा पीछे जाएगा, घुटने थोड़ा सीधा होगा, कमर थोड़ा सीधा होगा, कुछ ना कुछ तकलीफ सबका है, मेरे को भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, सबका बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। जो लग रहा है मैं गिर जा रहा हूं पीछे या सामने, मतलब नर्वस सिस्टम सही मात्रा में नहीं है, नर्वस सिस्टम का बैलेंसिंग ठीक नहीं है। ये करने के बाद उल्टा लेट जाए, शरीर को ऊपर नीचे स्ट्रेच करे थोड़ा बहुत, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट लेग लेफ्ट लेग। अब सांस के ऊपर ध्यान दे, डीपली इनहेल एंड एक्सहेल, शरीर को ऐसे स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है ऊपर नीचे, लेकिन टाइट मत करे, स्ट्रेच करे और रिलैक्स करे, टाइट मत कीजिए, स्ट्रेच करते हुए टाइट कर देते हैं हम लोग। अब क्या करना है, पेट का बल, हाथ और पैर दोनों को उठाना है, और यहां पर वृद्ध नॉर्मल है या बंद हो गया वो देखना है। वृद्ध को कंट्रोल करने का कोशिश मत करें, उसको जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करें सिर्फ, और उसको चलाने का कोशिश करें। अब दोनों पैर को नीचे कर दिए, हाथ को नीचे कर दिया, दोनों हाथों से ऊपर उठाया, अब धीरे धीरे हाथ के ऊपर वेट नहीं देना है, ये सोचना है ये भुजंगासन और एक बार करना है, थोड़ा रेस्ट लेके फिर से शुरू करें भुजंगासन, हाथ उठा के फिर यहां से हम लोग करते हैं धनुरासन। ये करने से कभी भी स्पॉन्डाइटिस नहीं होगा। अब उठने का तरीका ऐसा है, बॉडी को आगे ऐसे स्ट्रेच करके उठे तो रीढ़ की हड्डी में एक फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगा, एक खिंचाव आएगा रीढ़ की हड्डी में, ठीक है ना। तो बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो मैं बच्चों के लिए एक पोस्चर्स सजेस्ट करूंगा और वो मैं करके दिखा रहा हूं, सारे लोगों को नहीं करना है, सिर्फ बच्चों के लिए मैं कर रहा हूं ये। हर इंडिविजुअल बच्चों को ये पोस्चर जरूर करना चाहिए डेली एक बार, मैं पेरेंट्स लोगों को भी बोल रहा हूं ये पोस्चर डेली कराए सब बच्चों को, वो है चक्रासन। प्रेस्योर अपना पैर जो है ऐसे आराम से रखे, हाथ को ऐसे रखे, फिर हाथ और पैर के ऊपर इक्वल प्रेशर डाल के उठाना है, और इसी पोस्चर में हंसना भी है, आनंद लेना जरूरी है। अब सांस के ऊपर ध्यान दे, कैसे चल रहे सांस ये देखे सिर्फ, ठीक है ना। और ये चक्रासन एक दिन भी ना छोड़े, सबका बैक पेन, शोल्डर पेन, ये सब लगा रहता है, है? और हम लोग ब्लेम करते हैं इतना लैगेज करीब करना पड़ता है ये, ठीक है, तो ये पेन चला जाएगा परमानेंटली। अब बैठ जाए कोई सुखासन में और ध्यान में
आराम से सांस के ऊपर ध्यान। ब्रीद आउट फ्रॉम योर लेफ्ट, नाड़ी शोधन प्राणायाम। Alternately, inhale from left, exhale from right, inhale from right, exhale from left. अब ध्यान करने से पहले एक प्राणायाम मिनिमम कर लेना चाहिए, नहीं तो ध्यान में रुकावट आ सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करके ध्यान लगाते हैं। क्लोज योर आईज, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। जो भी म्यूजिक बज रहा है, जो भी हवा चल रहा है, उसको अपना शरीर में महसूस करें। जिसका ध्यान नहीं होना चाह रहा है, वो उज्जयी करने करते हुए 5 से 10 बार उज्जयी करके फिर ध्यान लगाए तो जरूर ध्यान हो जाएगा। प्राणायाम का क्लास में मैंने उज्जयी सिखाया था। पुराना वाला वीडियो देख ले और पूरा सांस के ऊपर ध्यान। एंजॉय द एयर सराउंडिंग यू। फील द एग्जिस्टेंस, फील द अटैचमेंट विद द ग्राउंड। अपना शरीर के साथ मिट्टी का जो अटैचमेंट है उसको महसूस करें। अब खुद को हल्का महसूस करें और सांस के ऊपर ध्यान देते हुए नीचे खुद को ढीला करें। इतना लूजनिंग करें। लूजनिंग बहुत जरूरी है। खुद को मिट्टी से डिटैच करने का कोशिश करें। नीचे जो जमीन है उसके साथ ट्राई टू सांस के ऊपर ध्यान दे। फिर से अपने
ये हो गया आ, अब मैं कर रहा हूं उ, कैसे करना है, टेक ए डीप ब्रीथ और ओनली उ, एक बार सांस लेके कितना लंबा इसको खींच पा रहा हूं, मतलब अपना वॉल्यूम ऑफ ब्रीथ और स्पैन ऑफ ब्रीथ का लेवल जो है वो हम लोग इसमें समझ जाएगा, हम लोग का नंबर ऑफ एल्वियोलाइज फुसफुस कितना, लंग्स कितना काम कर रहा है, लंग्स जो है वो कितना एक्टिव है इसमें वो पता चल जाए। लास्ट वाला जो है मौ, मौ कैसे, तीनों एक साथ, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृतोर्मा अमृतंगमय ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् Dear palm, put it on your eyes. Yes. Look. And see your palm first and pranam. Thank you. ठीक है, तो हम लोग कल फिर कुछ स्टैंडिंग पोस्चर्स के ऊपर ध्यान देंगे। म्यूजिक टुमारो ये मास योगा, सारे बच्चे आएंगे, इनको सारे बच्चे रहेंगे, हम बच्चे रहेंगे। 21st को एक मेगा आएगा, गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है, बच्चे लगभग सारे बैठेंगे ही तो खड़े होंगे और थोड़ा सा स्पेस भी नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंगली आप उसी उनको करेगा स्टैंडिंग पोस्चर, हां कोई तकलीफ ना, हां स्टैंडिंग पोस्चर ज्यादा नहीं होंगे वैसे, और जैसे इसमें वेरी कम छोटे बच्चे से अगर आप बोले कि छोटे बच्चे को नहीं कर देंगे ठीक है, पहले हुआ
थैंक यू थैंक यू